नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। रेलवे का जैसा नोटिफिकेशन आया हुआ आपका एलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और इसका जो एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है अप्रैल और मई, मानकर चलो अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके पास 60 डेज तो बचते ही हैं, तो इस 60 डेज में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और कौन सी बुक हमें फॉलो करनी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपका जो NTPC का पेपर हुआ था उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँगा। NTPC जो आपका रेलवे ने कंडक्ट कराया था ASM गुड्स गार्ड के लिए, काफ़ी सारे पोस्ट थे वहाँ पे, और लोको पायलट का भी कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ये जान लो कि LAP के लिए जो है आपका 4 स्टेज आपको वहाँ से आपको गुजरना होगा LAP के लिए, और टेक्नीशियन के लिए जो है आपका 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेज आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेज में जाओगे। तो सारा स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ आपको केवल फर्स्ट स्टेज के लिए बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो आपका जो पेपर होगा, आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन ओनली डील करने हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन, अब जैसे SSC की बात कर ले, बैंक की बात कर ले, वहाँ पे आपको 100-100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे और वहाँ पे आपको मिलता था 60 मिनट, और यहाँ पे आपको मिल रहा 75 क्वेश्चन। तो टाइम का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग मैथ्स। मैथ्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। यहाँ पे आपको केवल अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है, जैसे कि बैंक के स्टूडेंट जो है केवल अर्थमेटिक पढ़ते हैं, तो आपको एडवांस मैथ भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो SSC के एस्पिरेंट्स को यहाँ पे प्लस पॉइंट है। देखो अर्थमेटिक में आपका क्या क्या आता है सुन लो, टाइम इन वर्क हो गया, टाइम इन डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, उसके बाद आपका CISI हो गया आपका, ये सारे टॉपिक, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके अर्थमेटिक के होते हैं। और एडवांस मैथ में बात कर ले तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक आपको एडवांस मैथ में कवर करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, मतलब मानकर चलो SSC में आपने जो भी मैथ्स को सॉल्व किया है वो आपके लिए यहाँ पे मोर देन एनफ है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको एक DI भी आपका एक पेपर में ज़रूर आएगा यहाँ पे, ठीक है। DI का भी प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक DI होंगे वहाँ पे, परसेंटेज का होगा आपका गेम, उसके बाद आपको मैं बता दूँ रेशियो, एवरेज, ये तीन टॉपिक, ये तीन कंसेप्ट में आपके DI में एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर ले तो SSC की रीजनिंग, आपने जो भी SSC में रीजनिंग पढ़ रखा है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस बैंक का 3 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सीटिंग अरेंजमेंट जो SSC नहीं पूछती है, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, और एक जो आपका हो गया स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट अजम्पशन, ये 3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक पे आप कमांड कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, NTPC में भी आया हुआ है और रेलवे यहाँ से पूछता ही पूछता है। सीटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या होगा, आपको दे दिया हुआ रहेगा 4-5 लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट रहेंगे वहाँ पे, सर्कुलर ही मिलेगा मैक्सिमम, और वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे बैंक में 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे मात्र आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस की ओर। देखो जनरल साइंस में आपके 3 टॉपिक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, और इसका जो स्टैंडर्ड होगा आपका 10th का स्टैंडर्ड, मतलब क्लास 10 का जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात कर ले तो आपका ये भी SSC, जो आपने SSC के लिए तैयारी की है, तो SSC वाले आपके लिए बिल्कुल अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपको स्कोर करना साइंस में, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपने पढ़ा अभी तक, SSC, CGL या CHSL, CPO जो भी, उसके लिए आप बिल्कुल मोर देन एनफ है। और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। देखो ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, जैसे कि रेलवे के आपने डाउनलोड किया होगा आपने PDF, तो आपको भी यही मिला होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला देखो करंट अफेयर में आपको पढ़ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत सारे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई रॉकेट आया है, इसरो ने कुछ किया हुआ, तो वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे NTPC में इसरो की बात कर ले तो बहुत सारा क्वेश्चन इसरो से पूछा गया था, वो करंट से पूरे बिल्कुल। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर देखना, अवार्ड्स देख लेना, कल्चर आपका आर्ट्स एंड कल्चर से कुछ भी करंट अफेयर में, पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, कोई भी अभी जैसे कि किन्हीं का अपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर किन्हीं की अभी मृत्यु हो गई हो, तो वो सारे आपको बिल्कुल पते होने चाहिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात कर लें, बुक्स एंड ऑथर आपका, जो करंट बुक्स एंड ऑथर और सबमिट, और एक चीज़ सुडिया है आपका स्कीम, ठीक है, जो योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई वो योजना आपको याद करना होगा।
अब यहाँ से आपको ये चीज़ देख लो, एक तो हो गया आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चार चीज़ जो आपने एसएससी में पढ़ रखा है वही चीज़ आपको फिर से यहाँ पे पढ़ना है। प्लस एक और चीज़ आपको यहाँ पढ़ना है, आपको स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपका आता है नेशनल पार्क क्या है आपका, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर कौन कौन से आती है, उसके बाद बात कर ले इन्वेंशन, कैपिटल, करेंसी, उसके बाद आपका प्रथम, भारत में प्रथम कौन रह चुके, ये सारे स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें पहले और कुछ देख लो कि कितने क्वेश्चन, क्योंकि रेलवे ने देखो ये जो है एनटीपीसी के अकॉर्डिंग मैं सारी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे ने नहीं बताया है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। और एक बात जान लो, आप पेपर में बैठोगे तो ऐसा नहीं जैसे आप एसएससी बैंक में देखते होगे कि 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलते हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन इंग्लिश। लेकिन रेलवे में आपको ऐसा मिलेगा कि पहला क्वेश्चन अगर आपको मैथ्स का आ गया है तो हो सकता है सेकेंड क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिल जाए, हो सकता है थर्ड क्वेश्चन फिर से मैथ का मिल जाए, और हो सकता है कि फोर्थ क्वेश्चन जीएस का मिल जाए। तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रिपेयर रहना कि ऐसा कुछ भी सेक्शन वाइज नहीं पूछा जाएगा, कि आप आराम से सॉल्व करो 25 क्वेश्चन मैथ्स की, उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग की, उसके बाद जीएस की, ऐसा नहीं आपको कहीं से भी रेंडमली कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा रेलवे में। तो ये एक अनुमान है कि मैथ्स में ये जो पूछ सकते हैं 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग में जो पूछ सकते हैं 20 क्वेश्चन, और जीएस और जीए और करंट अफेयर में हो सकता है इनका वेटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी इन्होंने अपना वेटेज ज़्यादा रखा था, और रेलवे हमेशा जो है अपने जीएस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो 35 क्वेश्चन में भी, या फिर यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर इससे कम भी 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मान के चलना 40 से 30 क्वेश्चन जो है आपके जीएस, जीए और करंट अफेयर के ऊपर पूछे जाएंगे। तो टोटल होता है 40 + 35 = 75 क्वेश्चन, ठीक। तो ये एक आपका समझ के चलना कि एक अनुमान ही है एनटीपीसी के अकॉर्डिंग, या फिर रेलवे का आप अभी तक हिस्ट्री उठाकर देख लो, तो यहाँ ये जो है अपना जीएस पे हमेशा ध्यान देता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका इम्पॉर्टेंट है या नोट, नॉर्मलाइजेशन होगा पेपर में। अब अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपका अटेम्प्ट अधिक होना चाहिए, विथ एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर इजी आता है तो हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े कम होंगे, और जिनके भी शिफ्ट में पेपर टफ होता है तो उनके अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो उनके मार्क्स में इजाफे भी देखने को मिलेंगे। तो बड़ी चीज़ यहाँ है कि पेपर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद जो है आप सेकेंड स्टेज में आओगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज की बातें बाद में होगी। तो अभी आपको करना है क्या कि ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई आपको इसके अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब हमें ये सब कहाँ से पढ़ना है ये बुक्स भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में जो है आपको आरएस अग्रवाल फॉलो करनी है जैसे कि, और उसके बाद आपको राकेश यादव, अगर आप एसएससी के जैसे कैंडिडेट हैं या फिर अगर नए फ्रेशर जो भी हैं तो वो आप सबसे पहले आरएस अग्रवाल बनाओ, उसके बाद राकेश यादव सर की बुक्स को बिल्कुल ख़त्म कर डालो। आपको एक क्वेश्चन रेलवे का वहाँ से नहीं छूटेगा, रेलवे का मैथ्स जो होता बहुत ही ईजी होता और रीजनिंग बहुत ही, जो भी आप फंसोगे जीएस में ही फंसोगे। तो जीएस पे काम करो ज़्यादा, और मैथ्स और रीजनिंग आप जैसे लगा रहे हो भी लगाते रहो। रीजनिंग जो है आपका जीए आप पढ़ लो बस, आरएस अग्रवाल मोर देन एनफ है आपका, आरएस अग्रवाल लगा लो पूरी अच्छे से कर लो, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो, और अपने जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा आपको। और एक्स्ट्रा जो मैंने सीटिंग अरेंजमेंट एजम्पशन के लिए मैंने बताया वो चीज़ आप जरूर कर लेना। साइंस के लिए क्या करोगे, देखो लूसेंट की साइंस आती है एक बुक, उसे खरीदो, परचेस करो, उसे बिल्कुल गो थ्रू अच्छे से एक एक लाइन करके पढ़ लो, उसके बाद स्पीडी की आती है बुक उसे पढ़ जाओ, मोर देन एनफ है। जितना यहाँ से कर सकते हो इन दोनों बुक्स को लेकर के करो साइंस के लिए आप, और आपका जीए जो आपको मैंने बताया था जीए और करंट अफेयर, तो लूसेंट की आपकी एक आती है जीए की बुक, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सारा रहेगा, और स्टैटिक जीके भी इसमें कवर मिलेंगे आपको। प्लस स्पीडी की एक बुक आती है जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चन रहते हैं। देखो स्पीडी में यही खासियत है कि आपको रेलवे के सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, और प्लस प्रीवियस ईयर, वही प्रीवियस ईयर इसमें आपको कवर हो जाएंगे। तो स्पीडी इसलिए आपको ज़रूरत है कि आपके सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि ये रेलवे की जो क्वेश्चन होती है किस तरह की होती है, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, और आपको अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट करना। और अगर देखो अभी भी कोई अगर डाउट है फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज की सिलेबस क्या है, अगर आपको जाननी है तो कमेंट करके बताना, थर्ड स्टेज में क्या होने वाला है, या फिर इसके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, या फिर अगर ये स्ट्रैटेजी के लिए कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अभी, थैंक यू। और देखो अभी मैंने करंट अफेयर कंप्लीट करा रखा है आपके बुक्स एंड ऑथर के, उसके बाद जीएसटी हो गया आपका, सबमिट, तीन चार टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे,
ठीक है, तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका मैं साइंस अच्छे से कराऊंगा कंप्लीट, स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। तो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।